हेलो बच्चों, आज जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड 7/3/3। हमको इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना 3 से। तो देखो 7/3/3, तो इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे, नीचे 1 लगा देंगे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 7/3 तो सेम रहेगा, अब ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। किस में करेंगे? मल्टीप्लाई। लेकिन इसके जो पीछे वाला फ्रैक्शन इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर ऊपर आ जाए और न्यूमिनेटर कहाँ जाए, नीचे, मतलब पलट देंगे संख्या। भाई 3/1 है तो क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे। या आपको ध्यान रखना है पीछे वाले फ्रैक्शन के साथ होगा। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो पीछे वाले फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, संख्या पलट देंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होगा नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब देखो 7/1 जा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3/3 जा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे यहाँ देखो भाई 4/9 है डिवाइडेड बाय 5/1 हो जाएगा। अब देखो 4/9 तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ हमने संख्याएं पलट दी क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लग गया। तो 4/1 जा कितना हो जाएगा, 4, और 9/5 = 45 हमारा आंसर हो गया। देखो 6/13/7, इसके नीचे 1 लगा देंगे, फ्रैक्शन बना देंगे। तो 6/13 × 1/7, तो 6 × 1 = 6 और 13/7 = 91। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट देखेंगे। देखो ये मिक्स में 4/1/3, पहले इनको इम्प्रॉपर में करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 = 12, 1 = 13, तो क्या आ जाएगा, 13/3 डिवाइडेड बाई 3/1 हो जाएगा। 1 लगा देंगे हम। ओके, अब देखो 13/3 ऐसे रहेगा और यहाँ 1/3 हो जाएगा। तो 13/1 = 13 और ये 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, देखो ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 2/3 = 6 और 1/7, 7/2, ये आपस में देखो 2 × 3 मल्टीप्लाई, और ये न्यूमिनेटर है प्लस होता है, 2/3 = 6, 1/7 डिवाइडेड बाई 4, इसके नीचे 1। तो 7/2 ऐसे रहेगा, ये 1/4 हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 7/1 = 7 और 4/2 = 8। ओके, ऐसे 7/4 = 28 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 31/7 डिवाइडेड बाई 7/1, ये 1 हम लगा सकते हैं भाई, 31/7 मल्टीप्लाई 1/7, तो 31/1 = 37, 31/1 = 31 और 7/7 = कितना हो जाएगा, 49। ओके,